जहां से मैं ब्रह्मलोक में आया हूँ, वहां जो सज्जन थे उन्होंने बताया खिड़की में से देखो वो धरती है जरा। अब महाराज धरती तो ब्रह्मलोक में से एक बूंद के बराबर दिखाई पड़े, तो उसने पूछा कि भारतवर्ष कहाँ है। अरे भाई वो नहीं दिखता है यहाँ से। अच्छा हमारी जन्मभूमि बकरी कहाँ है ना, धरती के रास्ते में पश्चिमी समुद्र के तट पर एक बिंदु है वो जिसको बंबई बता रहे, और सेठ जी आपकी कोठी कहाँ है। उसका सब ध्यान करो तब दिखेगा। ध्यान किया तो देखा कि दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं। बाहर से मोटर चाहे कितनी हो, कपड़े लत्ते चाहे जितने बढ़िया हो, अखबार में नाम चाहे जैसा चलता हो, भीतर तो महाराज पूरे देने वाला कोई है। संसार में दुख ज्यादा है सुख कम है। बाहर बाहर से हंसते बोलते भी लोग दुखी रहते हैं। हमने देखा है राजाओं को सेठों को जिनके पास अभी अरबों रुपए हैं और बताते हैं कि विदेश में हमारे पास इतना रखा है, पर जब सामने एकांत में मिलते हैं तो कभी कभी मुंह ऐसा कुंडा जाता है, आंखों से जल जल आंसू गिरते हैं। उसने ब्रह्मलोक से देखा तो उसने कहा हम ब्रह्मलोक में नहीं रहेंगे। कूद पड़ा, कूद के धरती से एक हो गया, सबके दुख में शामिल, सबका दुख मेरा दुख है। भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी, मुक्त कर दिया। दशम स्कंध में एक कथा है, दशम में नवम में, एक राजा थे, 48 दिन तक उनको न पानी मिला न खाने को। राजा कहते सोचो राज्य बड़ा था लेकिन वो टैक्स में और जुर्माने में जो पैसा आता था ना उसको अपना समझते नहीं थे। उसको तो जिन प्रजा से टैक्स लिया जाता उनकी भलाई के काम में लगा लेते, और जुर्माने से जो पैसा आता वो चोर समारोह को सुधारने में लगा देते। अपने पास कुछ नहीं। 48वें दिन उनको कुछ मिला। जब पका तो उसी समय ब्राह्मण अतिथि आ गया तो उसको खिला दिया, फिर बाद में शूद्र अतिथि आया तो उसको भी खिला दिया, फिर बाद में थोड़ा सा पानी बच रहा था तो रोज एक कसाई आ गया कि हम बहुत प्यासे हैं तो उसको भी खिला दिया। आप देखो ये है हमारे शास्त्रों की, हमारे वेदों की, ऋषियों की, भागवत की, ये और बोले हे प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं सबके दिल में बैठ जाऊं। भगवान बोले कि सबके दिल में तो सब नहीं, अब तुम बैठ के क्या करोगे। बोले सब हैं लेकिन अपने दिल में बैठ बैठ के बड़े दुखी हो रहे हैं, हमसे उनका दुख देखा नहीं। भगवान बोले कि नहीं तो हम सबके दिल में। बोले आप तो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, किसी का दुख दूर नहीं करते हैं, तब तुम क्या करोगे। अब बस ये कृपा करो कि जीव सब सुखी रहे और आप देखते रहिए, और दुनिया भर के सबके दिल में जो दुख है वो अकेला मैं हूं। ये देखो भले मानुष की दृष्टि, भले मानुष की विचार, दुनिया भर का दुख देने को तैयार, मैं सब दुख भोग लूंगा लेकिन सब लोग सुखी हो जाए। आजकल के लोग तो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं।
ऐसा स्वार्थ का और सुख का भूल वाला है जिसकी कोई हद नहीं। और फिर कृष्ण की भी चर्चा शुरू की था। ये ब्याह है ना, जरा ब्याह को देखते बहुत मजेदार है। वैष्णवी शक्ति है उसमें, समुद्र की बेटी लक्ष्मी और समुद्र की बेटी रुक्मण। भीष्मक माने समुद्र के बाप का नाम जो भीष्मक था, भीष्मक माने बड़ा भीषण भयंकर समुद्र। और उनका बड़ा भाई था भीष्म रुक्मी, और रुक्मिणी थी लक्ष्मी स्वर्ण लक्ष्मी विष्णु की शक्ति पालन पोषण करने वाले। तो विष्णु भगवान के पास जो शक्ति है सबके पालन पोषण की, स्वयं तो सोते हैं शिव सज्जा पर और कौस्तुभ मणि गले में, और लक्ष्मी वक्षस्थल पर या पांव दबाती हुई, और बिना किसी नल के बिना किसी तार के जो दूध का समुद्र भरा हुआ है उसको गेहूं में दाल में चने में गाय में उड़ में हाथी में सब में पहुंचाते हैं, सबके लिए भोजन का रस का जो है ना उपलब्धन मुहैया करते हैं। उनकी शक्ति भगवान श्री कृष्ण में थी रुक्मिणी। कृष्ण का गुण था चाहे कोई भी हो सबका पालन पोषण करना, ये नहीं ये गरीब है ये नहीं है। एक बार हम लोग कानपुर गए गीता प्रवेश वालों ने यहाँ से ले जाने का सफर कर, संन्यासी होने के बाद एक दो बार गीता प्रवेश में गया, फिर जो भागवत वहां से निकला उसको ठीक ठाक करना था, और हनुमान प्रसाद जी ने और गांठ बांध के अपनी पत्नी के साथ बैठ के भागवत प्रस्ताव सुना। बोलते बोलते हमारी तो जीत भूल जाती थी, आंख भूल जाती थी। पंडित लोगों को तो अभ्यास होता है, ये तो बड़ी आसानी से बोल जाते हैं, हमको बोलना हो तब तो हमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, इनके लिए तो सहज हो गया। कानपुर में रुक गया विश्राम करने के लिए, जब वहां से चलने लगा तो पदमपत सिंघानिया की माता जी ने कुछ रुके, तो मैंने कहा कि हमको तो गीता प्रेस से आदमी आया है लेने के लिए, फर्स्ट क्लास में ले जा रहा है, जहाँ जाएंगे वहां पहुंचा देगा और हमारे रुपये की तो कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा क्या बोलते हैं महाराज, आप जब जरूरतमंद होंगे तब मैं आपको दूंगी, आप जब गरीब होंगे जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा आपको जरूरतमंद बना के तब मैं आपको कुछ दूंगी, आपको जरूरत नहीं खुद हमारा दिल दुखता है खटकता है। तो विष्णु भगवान कौस्तुभ मणि पहन के और लक्ष्मी से पांव दबाते हुए और हजार हजार नाग मणि अपने सिर पर चमाचम चमकाते हुए और लेते लेते सारी दुनिया को, चाहे कोई गरीब हो चाहे धनी हो, खाना पीना भेजते रहते। यही रुक्मिणी जिसका नाम है स्वर्ण लक्ष्मी, बता सीता की खेती की लक्ष्मी, हल जोतते समय जमीन में से लिखते हैं तो कृषि लक्ष्मी है सीता जी, अन्न नहीं होगा तो लोग खाएंगे कहां से। और स्वर्ण लक्ष्मी है रुक्मिणी, रुक्म माने संस्कृत में सोना होता है, सोना माने जल संपत्ति चाहिए सोना, और अचल संपत्ति चाहिए खेती, दोनों से जो समृद्ध होता है वो धनी होता है, भगवान दोनों के मालिक है। अच्छा अब जरा दूसरी तरफ ध्यान दो, सत्यभामा
ये है तो सत्रह दिन की पुत्री पर रहती है सूर्य के पास, सौरी शक्ति है, वहीं से उन्होंने सब शिक्षा प्राप्त की। रोशनी इन्होंने सूर्य के लिए प्रकाश, सबको ज्ञान देना, सूर्य का काम है स्वस्ति पंथाम अनुग्रहेण। आज पर तेरी बात सुना दे रहे हैं क्योंकि लोग कहानी किस्से की तरह पुराणों को पढ़ते हैं ना, तो उनकी समझ में तो कुछ आता नहीं है। जो लोग पुराणों पर आक्षेप करते हैं, शंका करते हैं, उनको तो हम लोग अपने मन में बहुत बेवकूफ समझते हैं ना, इनको तो कुछ मालूम नहीं है। स्वस्ति पंथा अनुचरेण सूर्या चंद्रमसा दिवस, सूर्य और चंद्रमा के जीवन में विश्राम नहीं है, प्रकाश देते हुए चांदनी भी देते हुए आकाश में निरंतर बिना रुके और घूमते रहते हैं। और श्री कृष्ण का जीवन क्या है, सबको प्रकाश देना, ज्ञान देना, भोजन देना, माने जीवन दान करना और प्रकाश देना, रोशनी देना, ये है श्री कृष्ण का जीवन। उस वही सतपुत्री सत्यभामा के पति हैं श्री कृष्ण। अब आते हैं जाम भवती, जाम भगवान ब्रह्मा के अवतार, ब्राह्मी शक्ति, विष्णु शक्ति है रुक्मिणी, सूर्य शक्ति है सत्यभामा और ब्रह्मा की शक्ति है जाम्बवती। ब्रह्मा जी की विशेषता क्या है कि देवता के प्रति भी वैसे ही, देवता दैत्य के प्रति भी वैसे, दोनों उनके बच्चे हैं। दैत्य जाके वरदान मांगे तो तकलीफ है, बाबा है, दादाजी सबके दादाजी है ना, दादाजी तकलीफ है, अच्छा जो चाहिए तो ले लो। देवता गए, दादाजी तकलीफ है, दादा नहीं पढ़ रहा है। ब्रह्मा के मरीची और मरीची के कश्यप और कश्यप के देवता देखे, सबकी प्रजनन शक्ति परंपरा सबकी बनी बनी रहे और सबके प्रति समता का बर्ताव जीवन में है बना रहे। पक्षपात बड़ा घातक होता है, एक थे सेठ, उनके दो बेटे, सेठ का शरीर तो पूरा हो गया, दोनों बेटे थे, उन दोनों के भी बच्चे हुए एक एक। एक दिन छोटा जो सेठ था वो बाजार से दो आम लेके, एक आम कुछ बड़ा था एक छोटा था, एक बढ़िया था एक हाथुस था एक छोटा परी था, तो दोनों के बच्चे सामने आए, पिताजी आम पिताजी आम, तो उसने अपने लड़के को हाथुस दे दिया हाथ घुमा कर और अपने बड़े भाई के लड़के को कुत्ता परी ले लिए। वो बड़े भाई देख रहे थे, शाम को उन्होंने बुलाया, बोले भैया मेरे बंटवारा कर दो, क्या हुआ उनसे क्या गलती हुई भाई साहब, गलती नहीं, मेरे रहते ही जब तुम अपने बेटे का इतना पक्षपात करते हो तो मेरे न रहने पर क्या करोगे, इसलिए बंटवारा बने। ब्रह्मा जी ने उनके व्यवहार में ऐसी समता, वो ब्राह्मी शक्ति ही माने ब्रह्मा जी की बेटी, ब्रह्मा जी की शक्ति जाम्बवती श्री कृष्ण से ज्यादी है, अर्थात श्री कृष्ण में सबके प्रति समता का बराबरी का बर्ताव है, सबके चीटी के पांव में नूपुर बाजे,
वाहो को साई सब कहते थे। इसके बाद अविद्या निवारक पांच शक्तियां हैं, आठ पटलानी है ना। तो जीवन में बेवकूफी न रहे, एक जीवन में घमंड न हो दूसरे को अपमानित करने वाला, तो किसी के मोहब्बत में इतना न फंस जाए कि उसका पक्षपात करें, और किसी के दुश्मनी में नफरत में इतना न लग जाए कि उसके साथ क्रूरता का बर्ताव करें, और कहीं आंख कान बंद करके ऐसे न टूट जाए, गर्व हो जाए, अभिनिवेश हो जाए कि अपना स्वरूप ही भूल जाए। हमें बहुत मोटा दृष्टांत प्राप्त हो जाता है। हम लोग जा रहे थे बद्रीनाथ, सात छह सात दिन थे, पैदल चलने गए थे, मैं मोटर नहीं थी। जब जोशी मठ पहुंचे तो वहां एक सेठ जी के साथ 144 को डंडी थी। हम लोग दो दो तीन चार चार आदमी के साथ होंगे, और 150 के करीब उनके परिवार और रिश्तेदार और मुहिम और नौकर। जोशी मठ तो बिल्कुल भरा हुआ, कहीं ठहरने की जगह नहीं, ठंडा, कहीं जगह लोगों को न मिले ठहरने के लिए। सीखे जी के पास गए, भाई रात को हम लोग यहाँ ठंडा में कैसे रहेंगे, और सेठ जी ने तुरंत व्यवस्था कर दी। ज्यादा पहचान नहीं थी, परंतु उन्होंने अपने नौकरों को एक और कर दिया, और उनके सब नौकर लोग जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ हम लोगों को सात दिन को ठहरा दिया, भोजन भी देना। जब उनकी लड़की हम लोगों को भोजन परोसने के लिए चौके में गई तो रसोइये ने सोचा था ये तो भिखारी लोग हैं साधु, इनको खाने के लिए क्या चाहिए, मोटी मोटी पूरी उसमें बना के रख लिया था। अब वो जो लड़की ने वो देखा पूरी अपने साथ पटक दिया, हम लोग बैठे बैठे बोले मैं परोसने जाऊं और ऐसी पूरी नहीं, खाने वाला चाहे कोई भी हो लेकिन मैं अपने स्वरूप का विस्मरण। तो ये जो श्री कृष्ण के जीवन में पांच जो पत्नियां हैं, माने एक को है सबको खान पान भोजन की व्यवस्था करने वाली, एक है सबको ज्ञान देने वाली, और एक है सबके प्रति समता रखने वाले, और पांच हैं जिनमें बेवकूफी का काम नहीं है, अभिमान नहीं है, मोहब्बत का पक्षपात नहीं है, और दुश्मनी नहीं है, और अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं है। कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए, अब समझ लो नंगे रहते हैं विरक्त हैं, और ये किसी स्त्री का आलिंगन करते हुए देख जाए तो भगवान इनके स्वरूप के विपरीत हुआ। और तो दुनिया में हम देखते हैं, पार्क में देखते हैं, रेस्तरा में देखते हैं, क्लब में देखते हैं, होटल में देखते हैं, क्या क्या होता है वहां जाके लोग बताते हैं, उनको हम कुछ थोड़े बोलते हैं, लेकिन जब देखेंगे कि हैं विरक्त और रहते हैं नंगे और स्त्री का करते हैं आलिंगन, तो वो बात मन में अपने स्वरूप के विपरीत कर रहे हैं। इसका मतलब है अपने स्वरूप के विपरीत कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण में ये बात थी, मन सोल हो आने हर समय चेहरे पर मुस्कान। और ये 16,000 जो थी, एक तो बड़ी भारी क्रांति थी उस समय, उनको तो कोई पूछता नहीं, सब भाग, अगर उनको श्री कृष्ण न स्वीकारते तो भौमासुर के घर में रही हुई कुमारियों को दुनिया में कोई उनको कबूल नहीं करता, मर जाते, विष्या हो जाते।
और श्री कृष्ण ने उस दिनों में आज से 5000 वर्ष पहले उनको लाकर अपनी धर्मपत्नी की श्रेणी में रखा। अद्भुत था वो। आज कौन समाज सुधारक है? आज भी जो समाज की धारणा के विपरीत ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि चंद्रमा में 16 कला होते हैं और 16 कला से वो अमृत बरसते हैं। उन्हीं 16 कला में एक एक कला की सहस्त्र सहस्त्र जो किरणें हैं, रश्मियां हैं, श्री कृष्ण के हाथ से, पांव से, उनकी आंख से, उनके होंठ से, उनके बालों से, उनके रोम से अमृत की वर्षा होती है। वो 16000 अमृत की वर्षा होती थी। अमृत की गंगा बहती थी। अमृत का समुद्र उमड़ता था। अमृत के फुहारे फूटते थे। अमृत की वर्षा होती थी। दुनिया भर को अमृतमय बनाने के लिए 16 कला से चंद्रमा की एक एक किरणें 16000 बन के और उनके शरीर से निकलती थी और वे आनंद की और रक्त की वर्षा करते हुए चलते थे।